जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस फायरमैन का रनिंग आज से चालू हो गया है, आप लोगों को भी पता है। तो आज जो है पूरा ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या निचोड़ निकल के आ रहा, आज का रनिंग जो है कैसे हुआ है, किस तरह से जो है लड़कियां पास हुई है, कितने लड़के फेल पास हो रहे हैं, क्या वहाँ का माहौल है, ग्राउंड कैसा है, कितने परसेंट जो है कोऑपरेटिव लोग हैं। तो तमाम सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी क्योंकि आने वाले समय में आपका भी रनिंग होगा। तो सबसे पहले ये बात करना चाहेंगे कि दिन का रिपोर्टिंग टाइम जितना बजे है उतना बजे जाइए, ठीक है। जाने के बाद से जो है लगभग आपको 2 घंटा समय लग रहा है आपका फुल प्रोसेस में। जैसे कि आज जो है लड़कियों का रनिंग था, ठीक है, तो लड़कियों का जितना बजे टाइम था, जैसे कि 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, तो कुछ लोगों ने बताया कि हमको 9:30-10 बजे तक छोड़ दिया गया, मतलब रनिंग वनिंग करा के जितनी सारी प्रक्रियाएं हैं सब कुछ करा के छोड़ दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत फास्ट आपका अंदर में काम कराया जा रहा है, ठीक है। पहले के जैसा ये नहीं है कि आपको एंट्री कराया जाए फिर सुबह से शाम तक, जब भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है जाइए, उससे 2 से 3 घंटा आपको अंदर रखा जाएगा और उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपके दिमाग में प्रेशर कम बढ़ेगा और जो है आपका एनर्जी लेवल जो है डिक्लाइन नहीं होगा। दूसरी चीज़, मौसम का इफेक्ट पड़ रहा कि नहीं, जैसे धूप है तो इसका इफेक्ट पड़ रहा कि नहीं। तो बहुत लोगों ने बताया कि इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बहुत लोगों ने बताया कि इफेक्ट पड़ रहा। तो मौसम का वही है कि अगर आप थोड़ा बहुत फिट फाट हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने अच्छा से डाइट रात को लिया है, तो आपको मौसम का इफेक्ट भी नहीं नज़र आएगा। जैसे कि पहले की अपेक्षा जो है, पहले की जो भर्तियाँ थी जो रनिंग करने के लिए, तो होल डे उनको रहना पड़ता था, इस तरह से जो है उनका एनर्जी लेवल डिक्लाइन हो जाता था, लेकिन ऐसा भी स्थिति देखने को नहीं मिल रहा, 50-50% इसमें देखने को मिल रहा। अब बात कर लेते हैं कि आपका ग्राउंड का रिपोर्ट कैसा रह रहा, कितने परसेंट जो है कोऑपरेटिव लोग हैं। तो वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव वहाँ पे लोग हैं, मतलब जो भी स्टाफ है काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। जिनका हाइट नहीं पूर रहा उनको जो है पूरा कोशिश किया जा रहा है कि इनका हाइट पूर जाए, मतलब कि अच्छे से नाप रहे। ये नहीं कि आपको ऐसे करो ऐसे करो इस तरह से नहीं बिहेवियर हो रहा, बिल्कुल अच्छे से वहाँ पर बिहेवियर हो रहा, मतलब कि पूरी कोशिश की जा रही है कि आपकी हाइट जो है पूरी हो जाए। उसके बाद से लड़कियों का आज रनिंग था, तो वेट भी लड़कियों का देखा जाता है, जाहिर सी बात है। तो जिन लड़कियों का वेट जो है 1/2 kg 1 kg कम है, तो उनको जो है पूरी कोशिश किया करवाया जा रहा है कि इनका जो है वेट पूरा हो जाए। उनको जो है पानी पिलाया जा रहा है, केला वाला जो ले गए हैं वो खा रहे हैं, मतलब पूरा आपको जो है पूरा टाइम दिया जा रहा है कि आप जो है वेट अपना कंप्लीट कर लो। तो कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा कोऑपरेट किया जा रहा है, तो इसमें भी जो है आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। अगर आपका 1 kg 1.5 kg जो है वेट कम है तो शायद आपका वहाँ पर मैनेज हो जाए, ठीक। उसके बाद से ग्राउंड का हाल बताएं, ग्राउंड में कैसे आपको रनिंग देखने को मिल रहा है। तो ग्राउंड भी बिल्कुल, मतलब समझ लो कि काफ़ी बढ़िया मक्खन की तरह है, आप खाली पैर भी दौड़ सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत सारी लड़कियां जो है खाली पैर भी दौड़ी है, बहुत सारे जो है जूता पहन के भी दौड़े हैं, मतलब जिसका जिस तरह से प्रैक्टिस है उस तरह से जो है रनिंग अपना वे लोग लगाए हैं। तो आपका जैसे प्रैक्टिस होगा भाई वैसे आप जाके रनिंग करना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे जूता खोल के आप रनिंग करोगे तो थोड़ा सा 2-4-5 सेकेंड आपका जो है कम हो जाता है रनिंग में, मतलब कि थोड़ा सा फास्टर हो जाते हैं। बाकी जैसे आपका प्रैक्टिस है वैसे करना। ग्राउंड बिल्कुल बढ़िया है, ये नहीं है कि जैसे दरोगा वालों का रनिंग हो रहा था कि मिट्टी भी था आकर पत्थर भी था, वैसी स्थिति नहीं है। और अभी तो जो है बरसात का भी मौसम नहीं है, तो ग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, रस्सी चारों साइड से लगाई गई है, ठीक। जंप का बात करें तो जैसे कि जंप जो है आप यहाँ से वहाँ बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कि जैसे कि यहाँ आप 1-2 इंच कम कूद पा रहे थे, तो वहाँ जो है आपका वो बेहतर हो जा रहा है, गद्दा भी वहाँ पर आपको सही देखने को मिल रहा है। के बारे में भी लड़कियां बता रही थी कि 1 फीट 2 फीट ज़्यादा फेंक दे रही है, जो 14 फेंक रही है वहाँ 16 फेंक रही है। इस तरह से जो है सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वही डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक, इंटर का जो है मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, और उसके बाद से जो है आपको निवास जात, उसके बाद से OBC है, SC ST है तो वो ले जाइए, EWS है तो वो ले जाइए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपका वहाँ पे लग रहा है, डॉक्यूमेंट्स में भी ज़्यादा आपको परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। बस जो है आपका रनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको एक गेट पास दिया जाएगा कि मतलब हाँ आप क्वालिफाई हो गए, आप घर जा सकते हैं। तो कुल मिला जुला के वहाँ पे जो है 2 से 2.5 घंटा आपको लग रहा है, लगभग इससे ज़्यादा नहीं लग रहा है, मतलब आज की रिपोर्ट के हिसाब से। अब कल से जैसे क्या स्थिति बनती है वो अलग चीज़ है। तो आज का बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट यही रहा। ओवरऑल बात करें तो बहुत बढ़िया आपको रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, इसमें कहीं भी जो है आपको ज़्यादा ये नहीं है कि आपको परेशानी देखने को मिल रहा है। ये जो या जो स्टाफ लोग हैं वो कोऑपरेटिव नहीं है, स्टाफ भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कोई भी चीज़ आपको कमी भी लग रही है तो वे लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं फुलफिल करने के लिए। और देखिए फेल पास की बात करें तो फेल पास जो है अभी मैं आपको कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा कितने लड़के फेल पास हुए हैं, मतलब कितने परसेंट लड़के लड़कियां फेल पास हुए हैं, क्योंकि इसका जो है अभी रिपोर्ट अभी पता नहीं चला है। बाकी मैं आपको कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आज का ग्राउंड रिपोर्ट यही रहा, बाकी अधिकतर लोग जो है पास हो जा रहे हैं। जो भी भाई तैयारी किया है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको तो पास होना ही होना है। एकेडमी ज्वाइन किए हैं या जो है पर्सनली अपना खुद से तैयारी किए हैं गांव में, घर में, कहीं भी, तो उनको जो है वहां पे पास होना ही होना है।
वहाँ पे आप जाइएगा तो आप बेहतर करिएगा, जैसे कि अभी आप घर पे जैसे कर रहे हैं इसे आपको वहाँ पे बेहतर ही करना है, नॉर्मल आप नहीं रहिएगा वहाँ पे, जो है आप बेहतर करिएगा। नहीं, आज का रिपोर्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे जो भी है थोड़ी बहुत आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। और देखिए, आप लोगों को लाइव देखना है तो एक मार्को एकेडमी जो है पटना के टीचर हैं जो आपको ये सब करवाते हैं, जैसे कि फिजिकल की तैयारी वगैरह करवाते हैं, तो उनको जो है आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से जो है आपको बहुत सारी चीज़ जो है लाइव देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उनका स्टूडेंट जो है वहाँ पर बहुत सारे जो है उनका जो है वो लाइव रिपोर्ट ले रहे हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं। तो पटना में जो दो चार टीचर लोग हैं वहाँ पे जो ट्रेनिंग कराए हुए हैं गांधी मैदान में, तो ये जो है लाइव कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक, तो यही सब सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्यूरी चल रहा होगा तो उसको आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि इससे आगे भी तमाम सारी प्रक्रियाएँ आपको होने वाली है जो विभागीय है। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।